हार्ट ऑफ वेस्ट में आप सभी को स्वागत है, वेलकम है हमारे चैनल पे आप सभी को। तो आज हमारे पहला फेसकम वीडियो में आप सभी को वेलकम करते हैं दिल से और प्यार आप सभी के लिए, क्योंकि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लेके आएंगे हम लोग। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे भी टंग करके दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारे अगली वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए आज के जो अपडेट्स है, टेक रिलेटेड अपडेट्स, वो आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और लाइक आज का नियम रखते 50 लाइक्स, बस 50 लाइक्स तो फिर लाइक कर दीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च कर दिया अपना नया फोन जिसका नाम है OPPO X2, और जिसमें है स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, जिसमें है 65 वाट का फास्ट चार्जर, 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट जिसमें है, और 5G कनेक्टिविटी 5G की है। तो दोस्तों ये जो फोन ओप्पो ने लॉन्च कर दिया, बहुत ही अच्छा फोन है, जिसमें 4 कैमरा है पीछे, क्वाड कैमरा जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, तो उसके साथ 2 मेगापिक्सल का है पोर्ट्रेट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। दोस्तों काफ़ी कमाल का स्पेसिफिकेशन है, ये आता है एंड्रॉयड 10 के साथ। और यही फ़ोन पिछले साल चाइना में लॉन्च हुआ था ओप्पो रेनो एस के नाम से। दोस्तों इसके अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 3999 युआन, मतलब इंडिया के प्राइस अब अगर धरे तो 43,200 रुपीज़। तो दोस्तों एक काफ़ी कमाल का एक फ़ोन है, तो इसके लिए हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। दोस्तों लेनोवो को लेकर एक लीक सामने आया है, जिस लीक में बोला जा रहा है कि लेनोवो एक बहुत जल्दी एक लोअर बजट में एक फ़ोन लाने वाला है, जो फ़ोन का नाम हो सकता है लेनोवो S7, जिसमें 6.09 इंच का एक डिस्प्ले रहेगा, जिस डिस्प्ले में वाटरप्रूफ नॉच रहेगा, जिसमें एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा फ्रंट कैमरा, और उस मोबाइल में रहेगा 4000 mAh की बैटरी, एक बड़ी बैटरी, जिसका बॉडी होगा पॉलीकार्बोनेट से तैयार, और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा जो बैक में होगा। उसके साथ आपको मिलेगा यूनिशॉक SC9863A का चिपसेट, और उसके साथ आपको 2GB का रैम भी मिल सकता है। दोस्तों अभी तक उसके जो रिलीज डेट उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, उसके प्राइस के बारे में पता नहीं चला, पर इसका स्पेसिफिकेशन देख के जो लग रहा है उसका प्राइस एकदम ही लो होगा। तो आपको जो लोग खरीदना चाहते हैं तो एक्साइट जरूर होंगे इतने लोअर बजट में, पर इसका बैटरी बहुत ही अच्छा है बाकी सब। दोस्तों ओप्पो से जुड़ी एक और एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि ओप्पो जो और एक फ़ोन लॉन्च करने वाला था A92s, वो लॉन्च होने के पहले ही उसका जो प्राइस है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है, वो सब आपको पता चल गया। कैसे? टेना सर्टिफिकेशन एक वेबसाइट है जहां पर वो लीक सामने आया है कि ओप्पो का जो A92s स्मार्टफोन है उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा कुछ ऐसा है कि 120Hz की उसका रिफ्रेश रेट रहेगा, जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट होता है वो 120Hz का होगा, जो काफ़ी कमाल का है। उसके साथ 6.5 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले आएगा उसके साथ, और ये आएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 5G सपोर्टेड चिपसेट के साथ। तो दोस्तों काफ़ी कमाल का है, और भी इसमें सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो है LPDDR4X रैम सपोर्ट होगा, UFS 2.0 स्टोरेज सपोर्ट होगा, इसमें 4000 mAh की बैटरी होगी, 18 वाट का फास्ट चार्जर होगा, इसमें क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा पीछे, और सामने होगा सेल्फी का दो कैमरा और पीछे 4, मतलब टोटल 6 कैमरा रहेगा। दोस्तों 6 कैमरा रहेगा टोटल, जहां पर पीछे कैमरा की सेटअप कुछ ऐसा होगा, 48 का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, दो और कैमरा आएगा, और सामने 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आएगा। दोस्तों शाओमी का नमक एक जो वेबसाइट है वहां पर जो लीक आ रहा है इसका प्राइस का, वो प्राइस है 8GB और 128GB का जो इसका वेरियंट है, उस वेरियंट का जो दाम है वो है 2499 युआन, मतलब करीब करीब 27,000 रुपीज़ का ये फ़ोन आएगा आपको इंडिया में।
तो बहुत कमाल का फोन होने वाला है दोस्तों ये। तो चलिए इसके लिए वेट करते हैं, देखते कब तक इंडिया में आता है, कब तक लॉन्च होता है और हम कभी से पाते हैं। अगले अपडेट बढ़ते हैं तो जो आरोग्य सेतु ऐप इंडिया सरकार ने लॉन्च किया कुछ दिन पहले, उस ऐप का अभी जो यूजर्स है प्ले स्टोर में 5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो गया दोस्तों, 5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो गया। और दोस्तों ये काफ़ी कमाल की बात है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों सेफ रहिए, सतर्क रहिए आप कोरोना वायरस से। और दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों आता है कि गूगल ने एक बहुत अच्छा काम किया, छोटा है पर बहुत ही अच्छा काम है कि गूगल ने अपना जो डूडल है वो एक चेंज करके डॉक्टर और नर्स के ऊपर बनाया है। तो कैसे, क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर और नर्स को रेस्पेक्ट देने के लिए ये काम किए हैं। डॉक्टर नर्स पुलिसमैन सफाई कर्मी सब जितना काम कर रहे हैं अच्छे से, इस उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो अपनी लाइफ के रिस्क लेकर हमें बचा रहे हैं, तो उनको सैल्यूट। और दोस्तों लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो व्हाट्सएप बेटा में एक नया फीचर आने वाला है, जो फीचर एक एक्सपायरिंग मैसेज के नाम पे आएगा। एक्सपायरिंग मैसेज मतलब एक ऐसा मैसेज सेक्शन मिलेगा आपको, जो मैसेज आप अगर किसी को सेंड करते हैं तो आपको पहले ही अब सेटिंग में एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप उस मैसेज की एक ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि इतने देर मुझे ये मैसेज किसी को भेजे तो उसके पास रहेगा। तो वो जो अगर आप 15 सेकंड रखे या 5 मिनट रखे तो आप किसी को मैसेज भेजेंगे, 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली वो जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का टेक वीडियो टेक अपडेट इतना ही था, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या हम आपके लिए नया वीडियो ले आ सकते हैं। दोस्तों चैनल नए हैं, हम नए हैं तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, यह हमें विश्वास है। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मे द ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। सो टाटा।